आइए अब उपासक जी से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। उपासक जी नमस्ते। तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा उपासक जी बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने खुद ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी? और डोज लगवाई तो आपको कोई समस्या हुई, क्या हुआ, कैसा रहा? नहीं ऐसा कुछ भी समस्या नहीं हुआ सर। जब मेरे दोनों डोज में कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर मेडिकल वाले बोलते थे कि कुछ आपको बुखार आ सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा को कुछ भी नहीं हुआ जी। तो मैं फिर वही बातें लोगों को बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप ही बढ़ चढ़ के आए जी आगे। देखिए उपासक जी, आपका तो सासुर घोंपा एक आस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जी। जी और मैं जानना चाहूंगा कि अपनी इस भूमिका का उपयोग, क्योंकि कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा संदेश जाता है तो बात बहुत तेजी से पॉजिटिव हो जाती है, आपने अपनी इस भूमिका का उपयोग टीकाकरण अभियान में कैसे किया? सर लोगों के मन में जो संदेह थे, अफवाहें फैल चुकी थी और थोड़ा मन आशंकित रहता है, तो कोई धर्म गुरु कहता है तो जरा गले उतर जाता है, तो वो सारी आशंकाएं क्या थी? जब हमारे घाटी में पहली बार कोरोना आया जी, फिर लोग मतलब समाज से बिल्कुल कटअप से हो गए जी, और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो हमारे जितने भी मंदिर गुंपा थे सब बंद हो गए जी। लोगों का जो सामाजिक सरोकार, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया था जी। तब उसके बाद जब आपके कृपा से जब भारत का अपना वैक्सीन बना जी, तो वैक्सीन आने पर भी लोग इतना आशंकित और भ्रमित थे कि अभी इसको हमने नहीं लगाना है, इससे कहीं कोई दूसरा बीमारी ना फैल जाए। तो हमने अपने उसमें हमने जो भी हमारे, क्योंकि एक तो लाहौल पूरा बहुत बहुल देश है, एक घाटी है जी, तो हमने सभी गोम्पाओं के लामाओं से हमने अपना एक संवाद स्थापित किया। हमने कहा कि अभी हमें ये खासकर गोम्पाओं में पूजा पाठ से केला ये कोरोना जाएगा नहीं, इसलिए हमने कहा कि अभी उनको सबको लामाओं को इकट्ठा करके एक पब्लिक में एक जन अभियान से एक मैसेज भेजेंगे जी। तो हमने सभी गोम्पाओं को कहा कि आप हर अपने गोम्पे के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, आप उनको फरमान जारी करें कि ऐसा वैक्सीन से कोई भी ऐसा आने वाला नहीं है, बीमारी नहीं आएगी। तो सब उससे लोग प्रभावित होकर, धार्मिक गुरुओं के उनके हस्ताक्षेप से प्रभावित होकर लोग भी खुल के बाहर निकले जी। तो लोगों ने ये वैक्सीनेशन का शुरू किया जी। इसी बीच में फिर हमारे बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी ने भी अपना वैक्सीन लगाया, वो भी मतलब उसके भी वीडियो आए जी। तो हमने उस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाया, तो लोग उससे भी, दलाई लामा जी से भी प्रभावित होकर लोग आगे आए जी। फिर लोगों ने अपना अपना वैक्सीन लगाया। उसी तरह हमारे एक उप तहसील है जी स्पीति में जी, जो वहां पर पूरा दुनिया में सबसे ऊंचाई में स्थापित एक गाँव है जी, कोमिक गाँव जी, वहां भी एक हमारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिसे हम चोमो कहते हैं जी। उन्होंने भी जितने भी मेडिकल के टीम है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, जो भी मेडिकल टीम आए, उनके साथ स्वयं उन्होंने जाकर गांव के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया और पूरा मतलब शत प्रतिशत उस गांव को उन्होंने हिमाचल में पहला गांव होने का एक सौभाग्य भी उन्होंने उनके हस्ताक्षर से हुआ जी। उपासक जी, मुझे तो कई बार लाहौल स्पीति आने का मौका मिला है और उस समय जब आते थे तो रोहतांग होते हुए काफी चक्कर काट के लंबी सफर करके आना पड़ता था। अब तो अटल टनल बन गई है। इस टनल के खुलने से वहां के जीवन में क्या बदलाव आया है, आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? मोदी जी, अब ये हमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा देन रहा कि राहुल वालों को उनके एक परम मित्र अर्जुन गोपाल जी भी बार बार कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको इसके सुरंग के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने हमारे केलोंग में, जिला मुख्यालय केलोंग में ही उन्होंने सन 2000 में घोषणा की थी पब्लिक जनमंच से जी। तो उसके बाद ये थोड़ा उसमें काम तो आस्ते आस्ते शुरू होता रहा, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में जी, तो उस काम को गति मिला जी। तो ये जो पिछले साल ये तैयार होके मतलब जनता की सेवा में समर्पित भी हुआ जी, सौभाग्य से जी मैं उस दिन भी आपके स्वागत के दौरान भी मैं भी वहाँ मौजूद था जी, मैंने उस दिन भी आपका स्वागत किया जी।
तो इससे आज के डेट में जी लाहौल के हर चीज, अब हम लोग कुल्लू आना चाहे तो जी कुल्लू आने के लिए एक मजाक जैसा हो गया जी, मतलब 2 घंटे में हम कुल्लू पहुंच जाते हैं जी। नहीं तो अगर हम अगर लाहौल से निकलना होता तो पहले दिन से सोचना पड़ता था, पहले दिन से तैयारी करना पड़ता कि भाई कहीं रोहतांग में फंस जाएंगे, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे जी। और आज इसके बनने से लाहौल में जितने भी हमारे जो खेती बाड़ी के जो हमारे फसल वगैरह है वो मार्केट में जाने को दिक्कत नहीं हो रही जी। टूरिज्म का भी बहुत बड़ा वो है जी यहाँ पे, अब लोगों ने हर घर में होम स्टे बना दिया, होटल बनाने शुरू कर दिया जी। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे युवा है उन्होंने मतलब लगभग 700-800 होम स्टे का पंजीकरण भी गया जी। तो आने वाले सालों में और भी हमारे मतलब टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिले, ये सब आपकी कृपा से और आपके हस्तक्षेप से हुआ जी। नवांग उपासक जी, भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने का के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण ही लाहौल स्पीति हिमाचल में भी सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इन प्रयासों को हमें सभी जनजातीय क्षेत्रों में विकास के हर पहलू को लेकर जारी रखना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।